हापुड़ में पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर किए लाठीचार्ज का भगवानपुर के वकीलों ने विरोध किया है। वकीलों ने इस मसले पर धरना देकर विरोध जताया। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में भगवानपुर के अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देकर विरोध जताया। अधिवक्ता एसोसिएशन ने धरना दिया और वकील न्यायिक कार्यों से विरत रहे। किसी भी प्रकार के वादों में कार्रवाई नहीं की गई। वकीलों ने पुलिस प्रशासन के कृत्य की घोर निंदा की। अनिश्चित तरीके से कार्रवाई करते हुए उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट के बाद उनके खिलाफ 307 मुकदमा कायम कराया गया और बहुत सी धाराएं लगाई गई हैं। जगह जगह मुकदमे कायम कराए गए हैं जिसके समर्थन में सभी अधिवक्तागण पुलिस के खिलाफ जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया वहाँ के DM को SSP को सस्पेंड करने के लिए और उनको वहाँ से हटाने के लिए और जो संबंधित थाना अध्यक्ष है वहाँ का उसके खिलाफ कार्रवाई करने की संबंध में हम लोग सभी धरने पर बैठे हुए हैं। धरना इस बात के लिए कि महिला अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया और लाठीचार्ज हापुड़ पुलिस ने कि अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए और जो अधिवक्ता जिन पर लाठीचार्ज हुए हैं उनका इलाज कराया जाए। आज यहाँ सांकेतिक तरीके से बैठे गए क्योंकि हापुड़ में वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वहाँ से भी वजह ही एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उनके द्वारा 3 तारीख में एक मीटिंग ली जा रही है, वहाँ से जो भी निर्णय आगा उसके अनुसार ही हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी जितनी भी बार उसके अनुसार ही सब निर्णय लेगी, उसके अनुसार आपको कार्य किया जाए। अधिवक्ताओं द्वारा अपने संपर्क पे हुए उत्पीड़न के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है तो जहां इनके द्वारा संबोधित किया गया है तो Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Sathi Global Festival, Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।